है गाइस वेलकम टू माय चैनल आई एम जैसे एंड इन दिस वीडियो एम गन बी एक्सप्लेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ओके सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो शेयर इट बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अलॉट नाउ इफ यू आर डन विद दैट लेट्स गेट स्टार्ट सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द मेन पर्पज ऑफ दिस चेन इज़ ए फॉर्मेशन एंड ये एरोबिक रेस्परेशन का लास्ट पार्ट होता है ठीक है तो ए टी पी हमारी बॉडी में कहाँ बनता है माइटोकॉन्ड्रिया so, में विच ऑज ऑल्सो नोन एज द पार हाउस ऑफ द सेल तो यहाँ अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का तो, तो ये रहा हमारा रफ डायग्राम. एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक तो ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज द इंटर मेमब्रेन स्पेस फाइन तो ये है इंटरमेमरी स्पेस एंड दिस पार्ट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ना अगर मैं ये वाला पार्ट इसको जूम इन करके दिखाऊं तो, तो यहाँ हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है विच मेनली कंजिस्ट ऑफ फोर कॉम्प्लेक्सेस एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम फिफ्थ कॉम्प्लेक्स कहते हैं बट दैट इज़ नॉट पर्टिकुलरली इंक्लूडेड इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ठीक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चार कॉम्प्लेक्सेज होते हैं तो अब चारों कॉम्प्लेक्सेस को मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ हीरा कॉम्प्लेक्स वन फिर टू थ्री एंड लास्टली फोर नाउ ऑल दीज फोर कॉम्प्लेक्सेज आर फाउंड ऑन द इनर माइटोकॉन्जल मेम्ब्रेन ठीक है ये हमारी मेम्ब्रेन बाय लेयर और ये आगे ऐसी ही चलेगी लेकिन यहाँ बीच में मुझे कुछ कुछ ड्रॉ करना है तो इसलिए मैं स्पेस के लिए आगे नहीं बना रही हूँ बीच में नहीं बना रही हूँ यहाँ नाम देती है और ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ठीक है और इसके आगे ये हमारी लेयर कंटिन्यू करेगी ठीक है तो अब नेमिंग करते हैं सबकी तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ये इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ठीक है तो अब अच्छा तो नाम क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो मतलब ट्रांसपोर्ट किसका होना है इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है तो मतलब फर्स्ट से दूसरे में दूसरे से तीसरे में तीसरे से चौथे में ऐसे करके आके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होने हैं ठीक है एक सेकेंड यानी तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो भी हो गया वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो होगा रिड्यूस ठीक है तो आप देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस पूरी चेन में चलता रहेगा तो मतलब पूरी चेन में कौन सी रिएक्शन हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है एक ने एक्सेप्ट किया दूसरे ने डोनेट किया फिर उसको आगे बढ़ा दिया तो ऐसे करके रेडॉक्स रिएक्शन पूरी चेन में हमारी चलती रहती है तो अब कॉम्प्लेक्स वन की तरफ चलते हैं तो कॉम्प्लेक्स वन में क्या होता है एन कन्वर्ट होता है एन प्लस प्लस एच प्लस आइन्स में ठीक है मतलब यहाँ क्या हो गया एन का ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हुआ मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं एंड फोर एच प्लस आइन्स मेट्रिक से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करते हैं कॉम्प्लेक्स वन ठीक है तो कॉम्प्लेक्स वन ने क्या किया फोर एच प्लस आइन्स पम्प किए मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका होना है ट्रांसपोर्ट आगे ठीक है तो ये आगे आगे चले जाएंगे तो अब कॉम्प्लेक्स वन में एक्जैक्टली exactly होता क्या क्या है तो कॉम्प्लेक्स वन इज ऑल्सो नोन एज एनएडीएच डीहाइड्रोजेस आप देखिए एच प्लस आयन रिमूव हुआ ना तो एन ए डी एच और इसमें क्या क्या होता है और इसमें होता है एफ एम एन विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लेविन मोनोन्यूक्लिटाइड ठीक है और इसमें क्या होता है और इसमें होता है आयरन सल्फर प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होता है ये वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब किसी भी प्रोटीन की एक्टिविटी में एड करते हैं ठीक है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है अच्छा एक और चीज़ ये जो फ्लेविन है ये डिराइव होता है राइबो से जो कि हमारा होता है विटामिन बी टू अच्छा ये सारे नाम थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे ठीक है नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू अब यहाँ पे क्या होता है एफ ए डी एच टू कन्वर्ट होता है एफ ए डी प्लस एच प्लस में ठीक है तो यहाँ भी आप देखिए क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ से निकलेंगे हमारे दो और इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एंड ये भी होने हैं ट्रांसपोर्ट तो पहले के दो इलेक्ट्रॉन एंड अब ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर है अलग से जो है कोएंजाइम क्यू ऑल्सो नोन एज यू ठीक है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया आगे भी इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा उसके बारे में मैं बात बताऊंगी पर अभी के लिए यहाँ पे ये हमारा कैरियर हो गया ये ट्रांसपोर्ट करेगा इन दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ ठीक है तो अभी कॉम्प्लेक्स टू को हम सक्सीनेट भी बोलते हैं ठीक है ये वाला कॉम्प्लेक्स कोई भी हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं करता कॉम्प्लेक्स में अब बचा क्यू ठीक है तो क्यू के बारे में आ, आपको बताया कि ये कोन्जाइम क्यू ऑल्सो नोन एज यूबी और ये और ये लिपिड सॉल्यूबल रहता है इसलिए ये मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट है इसमें आराम से मूव कर लेता है ठीक है नाउ कमिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर थ्री तो अब क्या हुआ यूबी क्यूनोन ने दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स वन और टू के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कॉम्प्लेक्स थ्री की तरफ ले आया ठीक है कैसे लाया इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया खुद हुआ ऑक्सीडाइज पहले रिड्यूस हुआ फिर अभी ऑक्सीडाइज हुआ और अभी इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स थ्री को अब कॉम्प्लेक्स थ्री फोर एच प्लस आयंस को पंप करता है मैट्रिक्स से अगेन इंटरमेम्रेन स्पेस में आप देखिए ध्यान से सारे हाइड्रोजन आयन्स इंटरमेम्रेन स्पेस में पंप हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब कॉम्प्लेक्स थ्री में क्या पाया जाता है साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी एंड आयरन सल्फर ग्रुप and this complex 3 is also known as cytochrome oxidoreductase now the cytochrome b and c have heme in them like there is heme in hemoglobin right but there it holds on to oxygen and here instead of oxygen it holds on to electrons now there is another electron carrier known as cytochrome c which accepts the electrons from complex three and transfers them to complex four. So now coming to complex four. So this complex is cytochrome c, a, and a three. It also contains copper ions. So now what happens? Half molecule of oxygen combines with two H plus ions to give one molecule of H two O. ठीक है तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है एंड ऑल्सो दिस फोर्थ कॉम्प्लेक्स पंप्स आउट टू एच प्लस आय इन टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तो अब ये जो टू इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से एक्सेप्ट करे फोर्थ कॉम्प्लेक्स ने ये इस रिडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाते हैं टू फॉर्म एच टू ओम तो आप टूट देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से फिर ये आगे चलते हुए थर्ड से फोर्थ में और अब जाके ये एच टू ओ बनाने में यूज हो जाते हैं तो अब देखिए ये 4H+, plus, 4H+, plus, 2H+ प्लस टू आयंस जो पंप आउट हुए हैं मेट्रिक से इंटरमेमरिन स्पेस में तो इस वजह से एक तो कंसनट्रेशन का ग्रेडियंट ठीक है ये ज़्यादा हो गया इंटरमेमरिन स्पेस में ऑल्सो सिंस H+ plus पे एक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी इंक्रीज हो जाता है ठीक है कहाँ पर इंटरमेमरिन स्पेस में तो दिस ग्रेडियंट ये जो ग्रेडियंट हमारा बन रहा है कंसनट्रेशन और इलेक्ट्रिक uh, चार्ज uh, का इस वजह से एक फोर्स डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स एच प्लस आइन प्रोटॉन्स ठीक है force, protons, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स अब डेवलप हो गई अब ये जो फोर्स है ये क्या करती है ये हेल्प करती है ए डी पी के कन्वर्जन में टू ए टी पी ठीक है ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ए टी पी वे कैसे हो गया तो जितने भी एच प्लस आइंस चले गए ठीक है इन द मेम्ब्रेन स्पेस में एंड यू नो एवरी आयन कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू दिस मेम्ब्रेन इसलिए यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है जिसको हम ए टी पी सिंथेस बी बोलते हैं बिकॉज ए टी पी इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम ए डी पी इस कॉम्प्लेक्स पे इसलिए इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ए टी पी सिंथेस एंड दिस हेल्प्स टू ब्रिंग बैक द एच प्लस आयंस ठीक है फ्रॉम द इंटरमेमब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स तो ये जो ग्रेडियंट पैदा हुआ ना उस ग्रेडियंट की वजह से प्रोटोन मोटिव फोर्स बना उस फोर्स की वजह से H प्लस आय वापस एक चैनल से ए टी पी सिंथेस चैनल से अंदर पंप होते हैं एंड उस एनर्जी से ए डी पी इज कन्वर्टेड टू ए टी पी ठीक है और आप देखो इस पूरी चेन में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बन रहा है उससे जो एनर्जी बन रही है इस चीज़ को हम बोलते हैं केमियो आसमोसिस ठीक है ये मैं यहाँ पे H प्लस आइन्स को दिखा देती हूँ ठीक है अच्छा ये वाला जो पार्ट है ए टी सिंथेस का उसको एफ नॉट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को जो प्रोट्यूट कर रहा है इसको बोलते हैं एफ ठीक है और ये ए बन गया हमारा फाइनल तो ए सिंथेस के हमारे दो फंक्शन हो गए एक तो प्रोटॉन्स को पंप करना एंड फॉर्मेशन ऑफ ए अच्छा ये जो एफ वगैरह हैं ये कहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल से तो या सो दैट वॉज इट फॉर वीडियो आई होप यू होपाइज लाइक दिट एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक like कर देना शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ एंड टेक केयर बाय बाय